जय श्री बाबू राम जी, जय श्री बाबू राम जी, तमाम आजाद। आज ये जो ड्राना के अंदर एसएसपी पंच, डीएसपी मेंडर, एसएचओ मेंडर, इस पूरे टीम का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने बाबूराम चौक, शहीद श्री बाबूराम चौक जी के नाम से इस जगह को प्रसिद्ध किया है। दुनिया में बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको ये नसीब होता है। शहीद श्री बाबूराम जी श्रीनगर के अंदर लोहा लेते हुए मिलिटेंटों से अपनी जान की आहुति दे दी है। उन्होंने इस देश के लिए, इस भारत भूमि के लिए, इस भारत माँ के लिए और देश के पुलिस के मनोबल के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये मिसाइल एसएसपी साहब जो आप इस चौक के अंदर करके जा रहे हैं, ये मिसाइल हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए है, हमारे बच्चों के लिए है। वो बच्चे जब इस चौक को देखेंगे, इस बाबूराम जी की शान को याद करेंगे और देश के लिए वो कुर्बान होने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे। मेंढर के पुलिस बल के लिए और मेंढर की तहसील के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि एक बाबूराम, एक गरीब खानदान से तल्लुक रखने वाला, एक गांव का रहने वाला, उसे श्रीनगर अंदर मिलिटेंटों के सामने जो है अपनी शाही दी और उनको जो है नमो नमोद कर दिया, उनको मार कर गला दिया, ये बहुत बड़ी बात। पुलिस मार्टियर्स को जो श्रद्धांजलि देने का जो हमारा सिलसिला है, उसी के तहत आज यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं जो मेंढर में धराना चौक में। और ये प्लेस जो है वो हमने जो सिविल सोसाइटी के साथ कंसल्ट कर ये इसको शहीद एएसआई बाबूराम जी के नाम पे जो है डिक्लेयर करने का जो एक इनॉग्रेशन प्रोग्राम है वो यहाँ रखा था। इस प्रोग्राम में यहाँ आर्मी ऑफिसर्स और हमारे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके साथ साथ जो बीडीसी चेयरपर्सन, पंच सरपंच हजरात, सिलसिला था उसमें लोगों ने उनको श्रद्धांजलि पेश की। और ये फख्र जाहिर हुई कि आपकी यहाँ के जो लाल हैं, यहाँ के जो बेटे हैं, उन्होंने श्रीनगर में शहादत पाई। और हम सब ये अहद करते हैं कि जो भी एंटी नेशनल फोर्सेस हैं उनको नकारा करने के लिए, उनको उनकी जो कोशिशें हैं उनको जो है वो कम करने के लिए इसी तरह से प्रेरणा स्रोत हमारे बाबूराम जी बने हैं। और हम उन्हीं के नक्शों कदम पे चल के अपने देश को मजबूत बनाएंगे, अपने समाज को बनाएंगे। सब परिवार के साथ परिवार है, वो हमारा पुलिस का परिवार है। और जो भी उनके लिए जो एक तो गवर्नमेंट की तरफ से जितने इंसेंटिव होते हैं वो तो है ही हैं, बट उसके साथ साथ जो एक इमोशनल अटैचमेंट होती है, उनकी जो एक सहारा देने की बात होती है, तो हमारी पूरी कोशिश है कि वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें। और जो भी उनकी मुश्किल हैं वो हमारी मुश्किल हैं और हम भी वक्तन फवक्तन उनके साथ बात करते रहते हैं, उनसे मिलते रहते हैं और जो भी उनकी मुश्किल हैं उनको कम करने में पूरी कोशिश करते हैं। सर, डिस्ट्रिक्ट ये एमएसए की तरफ से एक गाइडलाइंस आई है जिसमें हमें 21 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक जो 10 दिन हैं, ये पूरे के पूरे 10 दिन जो हमें मार्टियर्स के लिए डेडिकेट करने हैं और उनके नाम पे चौक होगा, सड़क होगी या जिसकी उन्होंने पढ़ाई की है या और भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे उनको उनके नाम को रोशन किया जा सके या उनकी यादगार बनाई जा सके, ये सारे प्रोग्राम जो हैं उसी का एक हिस्सा है।